राजवीर सिंह, आपके हिसाब से जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ हंस हंस के बात करती है, उसे टच करके बात करती है, तो वो उसे इनवाइट कर रही है कि आइए मेरे साथ सो जाइए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपका बयान है यार ये। मैंने इस केस में कहा था, बाकी डिपेंड करता है। बाकी डिपेंड करता है किस पे? यही कि कहाँ और कैसे मिले। कहाँ और कैसे, यानी रॉक शो में हो तो हिंट है, लाइब्रेरी या मंदिर में हो तो हिंट नहीं। वेन्यू डिसाइड करता है कैरेक्टर आपके लिए। अब आप बेकार की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं बेकार की बातें क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपका ये जो बयान है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे, प्रशांत जी ने बताया कि मीनल ने पी रखी थी, आपने भी पी रखी थी? जी, पी रहा था। सो लेट अस अज्यूम कि आप नशे में थे, उसने आपको रोका या रोकना चाहा, आपने ज़बरदस्ती की, उसने आपको मारा, ये भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन ऐसा नहीं हुआ। ओह सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी शादी फिक्स हो गई है। MLA जानकी रानी की बेटी से आपकी शादी हो रही है। इन सब पर्सनल बातों का इस केस से क्या लेना देना है? नहीं, लेना देना तो मेरी क्लाइंट के केस के साथ भी नहीं था। तो इन लोगों की तरह मेरा भी कोई कैरेक्टर नहीं है, यही प्रूफ करना चाहते हैं ना आप? नहीं, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पर आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपकी शादी की बात कर रहा था, आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, इन सब पर्सनल बातों का क्या मतलब है? राजवीर, आपको अक्सर ये गुस्सा आता है जब आप किसी की ऐसी वैसी बात सुनते हैं जिसे आप सुनना नहीं चाहते। बार बार वही बात क्यों रिपीट कर रहे हो तुम? मैं तो आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप करके आपको बुला रहा हूँ, और आप हैं कि यार तुमसे यही उम्मीद थी। राजू जी, आप रेगुलरली सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं? जी नहीं। तो वो आपका पहला टाइम था, अगर ये मान लिया जाए कि हमारी इस सिचुएशन में मेरा पहला टाइम था। यस। ओके। आप रैंडमली किसी लड़की को देखते ही उसे आप डिनर पे बुला लेते हैं, डिनर पे क्यों बुलाया? उन्होंने कहा था कि हमें भूख लगी है। They said they were hungry, so we called them. इंसानियत दिखाई, शायद वही गलती की। हमें क्या पता था कि ये लड़कियां कैसी। शराब के लिए भी आपने इंसानियत का ऑफर दिया उन्हें? उसने खुद ड्रिंक बनाई, फोटो देखी ना आपने? एंड्रिया की फोटो तो नहीं थी? We all were drinking. नहीं, पर उसे आपने क्यों ड्रिंक बनाया? We all were drinking, so I offered out of courtesy. राजवीर, आप इस बात को एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? Why aren't you admitting it? आप एक रेप्यूटेबल फैमिली के साथ जुड़ने वाले हैं विवाह में, क्या इस डर से कि वो शादी टूट जाएगी आप एडमिट नहीं करना चाह रहे हैं? आप रैंडमली खूबसूरत लड़कियों को देखकर उन्हें इंसानियत देने के लिए ड्रिंक्स और डिनर पे ले जाते हैं? जस्ट एडमिट इट, व्हाई आरंट यू एडमिटिंग इट? शुड आई टेल द कोर्ट व्हाई? बिकॉज सेक्सुअल असॉल्ट के लिए आप बहुत लंबा अंदर जाते हैं। ये सारी कहानी आपने गढ़ी हुई है ताकि मेरा जो क्लाइंट है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। क्या है प्रशांत जी? इनकी क्लाइंट्स ने एडमिट किया है कि बैठिए, कैरी ऑन दीपक जी। ओके, लेट मी पुट यू अनदर क्वेश्चन। अगर आपने देखा कि मीनल जो है वो एक पैक बना रही है और शराब पी रही है, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये तो खराब लड़की है, आप उठ के चले क्यों नहीं गए? हमें ऐसा नहीं लगा। आपके घर में लड़कियां शराब पीती हैं? Only the men drink. आपकी माँ, आपकी बहन ड्रिंक नहीं करती? अच्छे घर की औरतें शराब नहीं पीती हैं। पार्टीज में जाती? फैमिली गैदरिंग्स में जाती हैं। ओके। पार्टीज में नहीं। इसलिए जो लड़कियां पार्टीज में जाती हैं और खासतौर से वो जो ड्रिंक करती हैं, वो आपके लिए पुश्तैनी हक बन जाता है आपका। और यही तय किया आपने हमारी क्लाइंट मीनल अरोरा के बारे में। आपके घर की अच्छी लड़कियां नहीं पीती हैं तो वो अच्छी हैं, ये पीती हैं इसलिए ये बुरी हैं, खराब हैं, और इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए मैं, राजवीर, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये आपकी बहन की तस्वीर है एक पार्टी में शराब पीते हुए। से बात कर रहा है, समझा?
अननेसेसरली मेरे क्लाइंट को प्रोवोक किया जा रहा है। ये गलत है, मेरी बहन ऐसा नहीं करती है। बैठकर पीना, किसी के साथ भी चले जाना, ये ऐसी लड़कियां करती हैं, अच्छे घराने की लड़कियां नहीं। ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है। प्लीज क्वाइट, प्लीज क्वाइट राजवीर, प्लीज। ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे लड़के इसे अपना हक समझ करके करते हैं। किसी लड़की के ड्रेस या क्योंकि वो शराब पीती है, आप समझते हैं कि ये आपका अधिकार है। एक सेकंड, लेट मी टॉक। अधिकार है, आराम से साथ चल दे और बैठ के पिए। कोई भी लड़का समझेगा ना कि ये लड़कियां तैयार हैं, वरना क्यों आएंगी, क्यों पिएंगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये भी तो हो सकता है कि अगर वो समझे कि आप उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले हैं तो। सर वन सेकंड, बलात्कार राजवीर स्टॉप भी नहीं। क्या मतलब है इस बलात्कार का? यहाँ पर किसी से भी पूछ लो, ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है। ऐसी लड़कियों का नाम पता है क्या बुलाया जाता है इनको? राजवीर। प्रशांत जी, अपने क्लाइंट को कंट्रोल कीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू राजवीर। That is exactly what happened, Your Honor. That is exactly what happened. आजकल की लड़कियां हैं तो लड़कियां ही, जब वो किसी लड़के के साथ डिनर ड्रिंक्स पे जाती हैं तो ये उनकी अपनी चॉइस होती है। अवेलेबल होने का साइनबोर्ड बनकर नहीं जाती वो। लेकिन इस तरह के वेल ड्रेस्ड, वेल एडुकेटेड लड़के जो अभी भी एक फ्यूडल मेंटालिटी के शिकार बने हुए हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी लड़की अच्छी है और किस लड़की के साथ ये लिबर्टी ले सकते हैं। आई रेस्ट माय केस, योर ऑनर।